बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना यूसुफ़। आज की हमारी रेसिपी है इमली खसखास भरी मिर्चें। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सकेगी और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 8 से 10 हरी मिर्चें, 1/2 कप पानी, 1/2 कप बेसन, 3 टेबलस्पून इमली का गूदा, 2 टेबलस्पून खसखस। इसे हमने अच्छे से धो के और बारीक से पीस लिया है और खुश खुश रखना है। 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑयल फ्राई के लिए। चलिए सबसे पहले इसकी मिर्चों के ऊपर जो कोटिंग होनी है वो तैयार कर लेते हैं। ये जो मसाले हमने बताए थे सब इसमें हम शामिल कर देंगे बेसन में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पतला पेस्ट तैयार नहीं करना, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट रखना है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूँ, इतना इसे हमने इतना गाढ़ा रखना है। अब मिर्चों की अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। जैसे कि इमली खसखास भरी मिर्चें हैं तो ये खसखास हमने बारीक से पीसी हुई है और इसमें पानी की मकदार आपने पीसते वक्त बहुत ही कम रखनी है ताकि यह खुश्क रहे और मिर्चों से फिलिंग बाहर ना आए। इमली शामिल करेंगे, ये इसका हमने इमली का गोदा इस्तेमाल किया है, इसमें से गुठलियों को निकाल दिया। इसमें भी पानी जो है वो हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है ताकि ये एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बने और मिर्चों के अंदर आसानी से फिलिंग में काम आ सके। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बस ये रेडी है। अब हमें इसे मिर्चों में भरना है। ये मिर्चों को हमने मोटी मिर्चें ली हैं और इसमें से बीज जो हैं वो हमने निकाल दिए थे। ये देखें, इस तरह से दरमियान से कट लगाना है और इस तरह से इसमें हमने इमली और खसखस के पेस्ट की फिलिंग करनी है। और जो ज़्यादा हो वो हम एक्स्ट्रा जो है साफ़ कर देंगे। इसी तरह हमने तमाम मिर्चों की फिलिंग करनी है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है ताकि जैसे ही ये मिर्चें फिलिंग हो हम फ्राई कर लें जल्दी से। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी तमाम मिर्चों को फिलिंग कर लिया है। ये तकरीबन 15 मिर्चें हुई हैं। जो हमने पेस्ट बनाया था उसकी कोटिंग करते जाएंगे और इस तरह से ऑयल में डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इन मिर्चों को फ्राई करते जाना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये बहुत अच्छी सी खस्ता सी बने। साइड हमने इनकी चेंज कर दी है, जो मिर्चें पहले डाली थी उनको पहले साइड चेंज कर दिया। इस तरह अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जो मिर्चें तैयार हो गई हैं वो हम निकालते जाएंगे। मज़ेदार हमारी इमली खसखस भरी मिर्चें तैयार हैं, आप इसे रोटी के साथ, रायते के साथ खाएं। मज़ेदार हमारी डिश तैयार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।